नमस्कार ग्रह सितारे हम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि पंचांग आज क्या कहता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सीमा जी, सबसे पहले बात कर लेंगे आज के पंचांग के बारे में, जानेंगे कि आज का पंचांग हमें क्या कहता है। जी तो सिमरन, आज के पंचांग की अगर हम बात करें तो आज है 25 जुलाई 2023, दिन मंगलवार है। अधिक मास का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, क्योंकि ये श्रावण मास का अधिक मास है। तो आज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि दिन में 3:04 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्रों की बात करें तो आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 3:25 से 5:03 तक रहेगा। सूर्य इस पूरे महीने कर्क राशि में है और चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय 5:38 का है। तो ये था आज का पंचांग। जी सीमा जी, सीमा जी अब हम बात करेंगे आज के दिन विशेष के बारे में। आज का दिन किन मायनों में विशेष है इसके बारे में जानेंगे। तो आज बहुत खास दिन है और आज के दिन की खासियत क्या है उस बारे में हम देख लेते हैं। आज सप्तमी और अष्टमी का कॉम्बिनेशन है, तो आज के जो सप्तमी है जैसे सूर्य सप्तमी या कामदा सप्तमी भी कहा जाता है और दुर्गा अष्टमी जो है वो दोपहर के बाद में प्रारंभ हो जाएगी। तो सप्तमी और अष्टमी का कॉम्बिनेशन एक तो, और फिर साथ के साथ में मंगलवार होने से आज मंगला गौरी का व्रत भी किया जा सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन काफी अच्छे हैं। साथ के साथ में अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के राजकुमार जो बुध हैं वो चूंकि चंद्रमा के पुत्र हैं तो बुध जो है वो आज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:38 पर बुध का कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में संचार हुआ है। तो ये भी एक गोचर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अलग अलग राशि वालों के लिए इसके अलग अलग फल देखने को मिलेंगे। अगर हम दिन की शुभता की बात करें तो आज कुछ चीजें अपनाने से, कुछ उपाय अपनाने से आपका दिन काफी बेहतर हो सकता है। जैसे आज किसी भी प्रकार का कर्ज आपको नहीं देना चाहिए, तो अगर कोई आपसे उधार मांगता है तो उसे आज के दिन टालें। और क्रोध का नियंत्रण आज के दिन जरूरी है, क्रोध ना करें। और अगर कोशिश करें कि आज लोहे का सामान अगर अवॉइड कर सके खरीदना तो आज लोहे का सामान भी ना खरीदे। गणेश जी की पूजा करें, चूंकि आज बुध का राशि परिवर्तन हुआ है तो गणेश भगवान की पूजा करने से भगवान गणेश और बुध की प्रसन्नता दोनों ही प्राप्त होगी। जी सीमा जी, बात कर लेंगे राशि फल के बारे में। आज किस राशि का दिन कैसा बीतने वाला है, किसे क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के बारे में बताइए कि आज मेष राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है। तो मेष राशि वाले जो अरीज है, थोड़ा सा उनका आज दिन बहुत मैं कहूंगी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हो सकता है कि उनके व्यवसाय में उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। तो उनको सलाह है कि आज आपको धैर्य से काम लेना है। थोड़ा सा अग्रेसिवनेस आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, खासतौर पर जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो नौकरी पेशा है वो आज ट्रांसफर और हो सकता है कि उनके पोस्टिंग कहीं और हो या ट्रांसफर कहीं हो, इस तरह की चीजों को लेकर परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो जहां पर है वहां काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में है और स्थान परिवर्तन वो शायद नहीं चाहते, तो ये भी उनके लिए पैनिक हो सकता है। जो घर परिवार की बात करें तो घर परिवार में काफी अच्छा माहौल है और माता की सेवा का दिन है आज। माता की सेवा कीजिए और घर परिवार के साथ को एंजॉय कीजिए।
आज अगर दिन की शुरुआत सूर्य भगवान के 108 मंत्र के जाप करने से करते हैं तो दिन की शुभता आपको प्राप्त होगी। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जी सीमा जी, बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जो टॉरस हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है। जो लोग सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं, जिनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम है या सरकारी नौकरियों में है, उनको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट से आज उनको दूर रहना चाहिए क्योंकि कोई भी तनाव, बहसबाजी, कोई भी विवाद उनके काम को बनता हुआ बिगाड़ सकता है। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो समय अच्छा है, पारिवारिक संबंध मजबूत रहेंगे, लेकिन कोई छोटी मोटी बात को लेकर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो आज अगर दिन की शुरुआत अपने पितरों को प्रणाम करके करें, पितरों के नाम पर कुछ दान करें, पूजा करके अगर दिन की शुरुआत करें तो उनके आशीर्वाद से दिन शुभ रहेगा। जैसे माँ जी, अब बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जो जेमिनाइन है आज उनको कुछ फैसले लेने होंगे, खास तौर पर जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ फैसले माइलस्टोन साबित हो सकते हैं और कुछ निर्णायक फैसले उन्हें लाभ प्रदान करने वाले होंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन अच्छा है लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता की स्थिति बनी रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य के लेकर ध्यान देने की जरूरत है और पारिवारिक जीवन जो है बहुत मस्ती भरा, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। अगर कोई जातक जो विवाह योग्य नहीं, जो विवाह योग्य है विवाह नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आज उनके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आए और उनका विवाह तय हो जाए। तो कुल मिलाकर एक्स आपका मिला जुला दिन है। हनुमान जी की पूजा से अपने दिन की शुरुआत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और दिन की शुभता। जी सीमा जी, अब बात कर लेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले कैंसरियन हैं, उनका दिन आज व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, काफी स्पीड पकड़ेगा आज आपका काम। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में सुस्ती बनाकर रखेंगे, एक्टिवली वर्क नहीं करेंगे तो आप अपने बढ़ते हुए काम की रफ्तार को कैसे पकड़ पाएंगे या उसमें उस लाभ में उसे कैसे परिवर्तित कर पाएंगे। आज थोड़ा सा सुस्ती से दूर रहें, सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि जो लोग जॉब में हो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम की आज बात हो और उनसे उनके ऊपर उन्हें अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, वर्क फ्रॉम होम वो कर सकते हैं। आज दिन की शुरुआत मिठाई का दान करने से करें, खासतौर पर गुड़ से बनी हुई मिठाई हो तो बहुत ही अच्छा है। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जो लियो हैं आज उनका जो व्यवसाय है वो जो नॉर्मल स्पीड है उसे नॉर्मल स्पीड से चलेगा और आय के साधन उनके बने रहेंगे। आय में मतलब जो 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 एक फ्लो बना हुआ है वो फ्लो कायम रहेगा, लेकिन कुछ तनाव की स्थिति आपके जीवन में रह सकती है और इस वजह से सेहत में कुछ खराबी आ सकती है। तो कोशिश करें कि तनाव से दूर रहें और उसके लिए प्राणायाम करें, कुछ योगा करें। जो लोग जॉब कर रहे हैं हो सकता है कि ऑफिस में आज कुछ पॉलिटिक्स हो, कुछ राजनीति हो, तो उन्हें अपने ऑफिस की राजनीति से दूर रहने में ही फायदा है। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में ना उलझे और अपने काम पर ही फोकस करें। माँ काली की पूजा, उन्हें प्रणाम करकर आज अपने दिन की आप शुरुआत कर सकते हैं। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे कन्या राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है। कन्या राशि वाले जो वर्गो हैं आज उनका दिन अच्छा है और कुछ हो सकता है कि उनको धन लाभ प्राप्त हो और धन लाभ के लिए व्यवसायिक यात्राएं भी हो सकती हैं। वो व्यवसायिक यात्रा
उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सेहत भी काफी अच्छी है और यात्रा में आप बहुत आनंदित रहने वाले हैं। जो तो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें भी हो सकता है कि कोई यात्रा पे जाना पड़े, यात्रा पे निकलना पड़े। तो कुल मिलाकर व्यावसायिक और धन की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सूर्य के मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान की पूजा करें। तांबे के लोटे में कुछ जल और रोली चंदन और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं तो उनसे आपको सूर्यदेव की कृपा होगी। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे तुला राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कितना खास रहेगा। तुला राशि वाले जो कि लिब्रा हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ है और जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें सफलता के संकेत हैं, व्यवसाय में सफलता के संकेत हैं। और जो लोग नौकरी करने वाले हैं उन्हें भी हो सकता है कि आज कोई अच्छी खबर, गुड न्यूज सुनने को मिले। तो कुल मिलाकर दिन बहुत शुभ है। आज अपने माता पिता की सेवा करें और दिन की शुरुआत किसी कन्या को कुछ दान देने से करें, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मिठाई, कुछ दान देकर आज आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जी सीमा जी, अब हम बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जो स्कॉर्पियंस हैं, आज उनका दिन कुछ मिला जुला है। जिन्होंने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो वो इन्वेस्टमेंट से उनको लाभ भी मिलने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य तो ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनके ऑफिस में हो सकता है कि उनको आज काम का प्रेशर झेलना पड़े, थोड़ा सा काम का दबाव उनके ऊपर हो। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो संबंध काफी अच्छे रहेंगे, मधुरता बनी रहेगी और परिवार स्ट्रांग है। तो आप अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से करें। जी सीमा जी, हम बात कर लेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे कि धनु राशि वालों का दिन आज कितना विशेष रहने वाला है। धनु राशि वाले जो सजिटेरियस हैं, आज उनका दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आर्थिक मामलों में उन्हें कुछ लाभ की उम्मीद है, कुछ हो सकता है आर्थिक लाभ उन्हें प्राप्त हो। सेहत के मामले में सेहत अच्छी रहेगी और सेहत के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि धूप बहुत तेज है तो थोड़ा सा धूप से बचाव की जरूरत है, धूप से उन्हें नुकसान हो सकता है। जो लोग रोजगार की तलाश में है हो सकता है कि उनको आज कोई यात्रा करनी पड़े और विरोधी आज आपके एक्टिव हो सकते हैं तो विरोधियों से थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर मिला जुला दिन है आपके लिए। आज दिन की शुरुआत बच्चों को कुछ किसी तरह का दान करने से करें, गरीब बच्चों को स्टेशनरी का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जी सीमा जी, अब बात हम करेंगे मकर राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वाले जो लोग रियल एस्टेट के काम में हैं, प्रॉपर्टी के काम में हैं, जो लोग होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको आज लाभ के संकेत हैं। हो सकता है कि आज कोई स्वास्थ्य के मामले में कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठे थे, अगर उनका आज रिजल्ट आने वाला है तो वो परिणाम आपके फेवर में होगा और काफी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। तो कुल मिलाकर दिन मिक्स एंड मिक्स मैच है और दिन की शुरुआत दिन की शुभता के लिए देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें, लेकिन वो पूजा सबको डिस्क्लोज करके नहीं करनी है, शांतिपूर्वक करें। जी सीमा जी, बात कर लेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले आज आपको कुछ नई सोच को काम अंजाम देना होगा। नए आइडियाज आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको
नई सोच अगर वो क्रिएट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना ऐसे लोगों को हायर करना जो नए आइडियाज नए विचार लेकर आते हैं उनके लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। आज अपने खान पान पर ध्यान रखें, उस पर नियंत्रण रखें तो सेहत के लिए अच्छा है। जो लोग नौकरी पेशा है और जो जॉब कर रहे हैं उनका धन सामान्य है, लेकिन व्यवसाय करने वालों का आज थोड़ा सा भाग्य बहुत उनका साथ नहीं दे पा रहा है। तो दिन की शुभता के लिए आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य को जल चढ़ाने से आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। जी सीमा जी, अब बात कर लेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों की, जानेंगे कि आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कितना विशेष रहने वाला है। मीन राशि वाले जो पाइसेस हैं, आज उनका दिन शुभ है, अच्छा है, धन लाभ के संकेत है। हो सकता है कि कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिले, और अपनी सेहत अगर आप बात करें तो उसका ध्यान रखने की जरूरत है। किसी तरह के विवाद में आपको पढ़ने से बचना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। आज अगर आप जो लोग बेरोजगार हैं, अभी रोजगार की तलाश में हैं, अगर नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो आज उनको हो सकता है उनके प्रयास जो है वो सफल रहे। दिन की शुभता के लिए घर में कपूर और लौंग जलाएं। हमने बात की पंचांग आज के दिन विशेष और राशिफल के बारे में, अब हम सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। तो सीमा जी, सबसे पहले हमसे सवाल किया है अंजना ने, ये बीजापुर से है। इनका सवाल है कि इनकी ननद की शादी नहीं हो पा रही है, वो कब तक हो पाएगी। तो देख लेते हैं कि अंजना जी, आपकी ननद की शादी कब तक हो पाएगी। तो पहला स्तर जो है हम वो निकालते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, और फिर उसके बाद में हम निकालेंगे कि कब तक हो पाएगी। तो पहला है पेज ऑफ पेंटिकल और सिक्स ऑफ पेंटिकल, और फिर है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये काफी सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और ऐसा लगता है मुझे कि कुछ दान पुण्य आपको करना चाहिए। उस दान पुण्य करने से आपको शुभ ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होगा, और आपकी ननद की शादी के लिए हम देख लेते हैं कि वो कब तक हो पाएगी। तो पहला स्प्रेड हम सितंबर और अक्टूबर के लिए देखते हैं क्या निकलता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि सितंबर और अक्टूबर काफी अच्छा है, मतलब इसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है कि कहाँ तकलीफ आ रही है आपको, वो तकलीफ को ढूंढकर उसका उपाय लगाने की जरूरत है। थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे मैं मान सकती हूँ, लेकिन पूरे शुभ योग आपकी ननद की शादी के लिए आ रहे हैं। अगर सितंबर अक्टूबर में कोई तकलीफ आती भी है तो अगर सितंबर में कोई तकलीफ आती भी है तो अक्टूबर और नवंबर में इनकी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। इसके लिए मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप भगवान बृहस्पति की पूजा और आराधना उनसे करवाएं, और केले की जड़ में उनसे अगर पूजा करवाएं तो भगवान बृहस्पति की शुभता से उनको और शादी के योग जल्द बन जाएंगे। और फिर भी कोई परेशानी अगर आपके मन में कोई विचार रहता है तो आप हमसे पर्सनल सलाह भी ले सकते हैं। जी सीमा जी, अगले दर्शक ने हमसे सवाल किया है, इनका नाम है रमेश और ये सारनगढ़ से हैं। इनका इनका सवाल है कि इनके पिता बहुत ड्रिंक करते हैं, क्या करें कि वो ड्रिंक करना बंद करें। तो रमेश जी, देख लेते हैं कि आपके पिता के ड्रिंक की वजह और उसके लिए क्या उपाय है। तो मैं देख रही हूँ कि वाकई में आप काफी परेशान हैं, हालांकि ये स्थिति पहले नहीं थी, लेकिन अभी इधर में आप बहुत परेशान हैं। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे स्थिति और भी खराब हो सकती है, और ड्रिंक के साथ साथ में और दूसरे परेशानियां भी उनके जीवन में खड़ी हो सकती है, इवन लाइफ का भी खतरा हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए। तो जो मेरे को कार्ड निकल कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इनके राहु की शांति कराने की आवश्यकता है, और हो सकता है कि इनके शनि ग्रह को भी, शनि ग्रह भी पीड़ित है और उसे भी शांत कराएं। तो दोनों ग्रहों की शांति से हो सकता है इनका जो दिमाग है वो एडिक्शन इस तरफ से, जो ड्रिंक का एडिक्शन है उससे बाहर आ सके, और फिर भी कोई तकलीफ आपको नजर आती है या कोई क्लियरिटी ना हो आप हमसे सलाह ले सकते।
जी सीमा जी, एक और दर्शक ने हमसे सवाल किया है, इनका नाम है सीखा और ये कोरिया से हैं। इनका सवाल है कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं पर किसी न किसी कारण से इनका बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा है, ये क्या करें कि सब कुछ ठीक हो सके। शिखा जी, पहले हम देख लेते हैं आपके बिजनेस के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो जो कार्ड मुझे नजर आ रहे हैं कि आप शुरुआत तो बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन उसे बहुत आपकी जो योजनाएं हैं उस पर बहुत कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार आप शुरुआत अच्छी करती है फिर थोड़ा सा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा लापरवाह हो जाती है, जिसके कारण जो आउटकम निकल के आना चाहिए वो आउटकम निकल कर नहीं आ पाता है। तो बिजनेस आपका कब तक शुरू हो पाएगा अगर हम ये देखें, तो अगर अगस्त और सितंबर की बात करूं मैं, तो ये नजर आ रहा है कि कुछ अचानक से कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आपकी अगस्त में आ सकती हैं। सितंबर में भी आपको काफी एफर्ट्स डालने की जरूरत है, और इन एफर्ट्स के बाद में अगर मैं नवंबर दिसंबर देखूं तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आपको अगस्त में अच्छे प्रयास करने चाहिए और सितंबर में ही सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि आगे और कार्ड्स आपके बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो सितंबर तक इसे कोशिश कीजिए कि पूरी हार्ड वर्क के साथ में इसे आप किसी भी तरीके से अचीव कर लें। और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप दुर्गा कवच का पाठ करें, क्योंकि कुछ विरोधी भी हैं जो आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं दुर्गा कवच के पाठ से, या फिर दुर्गा के निवारण मंत्र का जाप, तो आपको अपनी समस्याओं से बाहर आने में मदद मिलेगी। और कोई और क्लियरिटी की जरूरत हो तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। जी सीमा जी, एक और दर्शक ने हमसे सवाल किया है, इनका नाम है अनिकेत और ये रायपुर से हैं। इनका सवाल है कि इनकी जो बड़ी बहन है वो किसी की भी बात नहीं सुनती, वो क्या उपाय करे कि वो इनके पेरेंट्स की बात सुनना शुरू करे। तो देखते हैं आपके कार्ड्स का आउटकम क्या है। आपकी बड़ी बहन अनिकेत जी किस सिचुएशन से गुजर रही है। तो पहला है वर्ल्ड कार्ड, फिर हम देख रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, और फिर हम देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बड़ी बहन के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेड बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया, जिसकी वजह से वो शायद कुछ नाराज हैं आपसे, आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से, और इस वजह से वो उनकी बात नहीं सुनती हैं। तो उनकी बात सुनने के लिए अगर मैं देखूं तो कुछ कार्ड्स जो निकल कर आए हैं वो ये नजर आए हैं कि उन्हें पहली बात तो बहुत प्यार की और घर के सपोर्ट की जरूरत है। डांट डपट कर या फिर बुरा भला कहकर शायद आप उनसे वो अचीव ना कर पाए जो आप चाहते हैं। तो अगर उनसे प्यार से बात की जाए, उन्हें अच्छे से काउंसिल किया जाए, समझाया जाए, तो पहली बात वो बहुत तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए। और दूसरा, सूर्य के मंत्रों का जाप और सूर्य पूजा करने से जो माता पिता के प्रति सम्मान घटा है वो दोबारा प्रारंभ हो सकता है। तो वो सूर्य पूजा के लिए अगर तैयार ना हो तो घर में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जिससे कि सिचुएशन सुधर सकती है और वो अपने माता पिता का सम्मान दोबारा से सकते हैं। तो ये आपके लिए उपाय था, और कहीं और क्लैरिटी की जरूरत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमसे आकर मिल भी सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ ज्योतिष और टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ ग्रह सितारे हम में हमने आपको बताया कि कैसा बीतने वाला है आपका आज का दिन और क्या उपाय करने से आपका दिन शुभ बीत सकता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।